ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक, डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। के न्यूज में मैं ओम प्रकाश चौधरी। आज डीपी के न्यूज की टीम पहुंची है जयपुर की छोटी काशी अर्थात ग्राम पंचायत महापुरा। ग्राम पंचायत महापुरा के युवा दावेदार, ऊर्जावान, शिक्षित, मैं यह कहूं कि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है नरेंद्र जी चौधरी। आज उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं महापुरा ग्राम पंचायत में होने वाले जो 2020 के पंचायती राज चुनाव है, उस पंचायती राज चुनाव में उनका किस प्रकार से क्या योगदान रहेगा। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डीपी के प्रेस न्यूज़ को भी आपका स्वागत करते हैं हमारी छोटी काशी नगरी में, जिसको महापुरा के नाम से पहचानते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अपने दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं अपना परिचय नाम से शुरू करता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौधरी है, मेरा यही जन्मस्थली है और कर्मस्थली भी है अभी। और मैंने अपना जो शैक्षणिक करी है, शिक्षा ग्रहण करी है, वो मैंने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग के बाद में मैंने एचआर मार्केटिंग से मेरा MBA रहा है। नाउ आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम JKL यूनिवर्सिटी। दिस ऑल्सो पंचायती राज चुनाव 2020 नज़दीक है। सुनने में आ रहा है कि आप अभी ग्राम पंचायत महापुरा के सरपंच पद के प्रबल दावेदार हो, तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो, शिक्षा में लगभग 8-9 साल से आप महापुरा में सेवाएं दे रहे हो, तो आपका इस राजनीति कैरियर को आप क्या देखते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र से हटकर राजनीति के क्षेत्र में आना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या क्या स्थिति है इसी ग्राम पंचायत की जो आप शिक्षा के क्षेत्र से राजनीतिक कैरियर में अपना भाग्य बनाना चाहते हैं? देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं जी। पहले अलग तरह की समस्याएं थी तो अलग तरह के उनके समाधान थे। पहले के लोग बहुत अच्छे से कर भी पाते थे कि पहले अलग तरह की समस्याएं थी, अगर आज देखें तो अलग तरह की समस्याएं हो गई हैं। मैं छोटी सी बात कहूँगा, मैं इसी गांव का हूँ। जब मैं इतनी तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जब अपने सरपंच को देखूँ तो मुझे लगे कि भाई हाँ, ये एक उदाहरण पेश करने लायक है। जैसे हम चाहते हैं हमारे घर में हमारा बच्चा पढ़े, बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, तो हम उसको ये उदाहरण दे सके, बेटा तू पढ़, बेटी तू पढ़, तुम भी आगे जाके सरपंच बनोगे। कम से कम ये तो ना कहें कि नहीं पढ़ेंगे तो भी सरपंच तो बन ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि अब मैं अपना रोल मॉडल बताऊँ, अगर अपने अपने गांव के सरपंच को बताऊँ तो वो मुझसे ज़्यादा शिक्षित हो। ये मेरा एक सबसे पहला पॉइंट है। स्कूल का आपने कहा, हाँ 8-9 साल से स्कूल चलाता हूँ और ये मेरा शुरू से मुझे रहा। जब मैंने इंजीनियरिंग MBA किया, उसके बाद मैं हमेशा 2012 में जब स्कूल शुरू किया था आप लोगों सबसे मिलकर मैंने, तो मेरा शुरू से ही पढ़ाने को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा बच्चों को। और इवन मैं खुद का भी लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाता हूँ। मैं मेरा सब्जेक्ट आपने पूछा नहीं कि मैं बता देता हूँ, वैसे मैं फिजिक्स मैथमेटिक्स लेता हूँ और मेरा MBA में इकोनॉमिक्स और रहा, PhD में इकोनॉमिक्स है मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मैं तीनों सब्जेक्ट ही बच्चों को पढ़ाने की पूरी अच्छे से कोशिश करता हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपका उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि ऐसा मैं पर्टिकुलर नहीं समझता कि भाई राजनीति, अगर आप सरपंच को चुनाव कर राजनीति से जोड़ें तो मैं थोड़ा सा इसे कहूँगा कि ये नहीं है ऐसा। सरपंच एक चीज़ अलग है और थोड़ा राजनीति को इसको अलग समझा जाए। यहाँ जो मुझे सरपंच में लड़ने की जो हुई इच्छा कि भाई अपन सरपंच का चुनाव में आए, वो प्रक्रिया राजनीतिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गाँव का विकास भी हो, और गांव का विकास तो देखें, लेकिन ऐसा कोई योजना है तो कोई, अरे भाई जनप्रतिनिधि है तो वही तो शुरुआत करेगा। जनप्रतिनिधि क्या होता है? अगर घर वालों को, भाई परिवार वालों खुद को ही करना होगा तो फिर प्रतिनिधि क्यों चुन रहे हैं? प्रतिनिधि इसलिए चुन रहे हैं कि वो शुरुआत कर दें, बाकी तो हम लोग पीछे चल रहे हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी है। साथ में आपके ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं, महापुरा, लाल्याबार, खटवाड़ा। तो इन तीनों ग्राम पंचायतों में जो विकल सुविधाएं हैं, उन विकल सुविधाओं को लेकर, क्योंकि यहाँ से सिटी अपने नज़दीक है, युवा वर्ग के लोग कई पढ़ाई के लिए जाते हैं, कई रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनका आपका क्या सिस्टम रहेगा? देखिए, ट्रांसपोर्ट की अगर हम फैसिलिटी की बात करते हैं तो आई थिंक कि महापुरा में बस स्टैंड है, आता है रूटीन पे, गाड़ी भी निकलता है, प्राइवेट भी जाता है, सरकारी भी आता है। लाल्याबास ठीक है, कनेक्टिंग रोड है कलवाड़ा से, तो लाल्याबास जो उर्फ छतरपुरा जिसे बोलते हैं हम गाँव, वहाँ तक भी समझ में आती है। लेकिन जो खटवाड़ा गाँव है, जहाँ इवन बहुत संख्या में लोग रहते भी हैं, वहाँ कोई ऐसा परमानेंट बस स्टैंड नहीं है, कोई बस स्टॉप नहीं है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर थोड़ा प्रयत्न किया जाए
तो ऐसी बात नहीं है भाई, सुनते हैं रोडवेज तो घाटे में है, तो घाटे में तो भैया आ जा खटवाड़ा में, थोड़ा और घाटा ले जा, तेरे क्या लग रहा है, तू कौन सा कमाने के लिए कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो नहीं है ना, प्राइवेट होगा तो सोचेगा ना प्रॉफिट का, या फिर पंचायत के सहयोग से कुछ ऐसा किया जाए जो उसको थोड़ा सा रीइंबर्स किया जाए ताकि ये चीजें प्रैक्टिकल हो। कोई बस स्टॉप नहीं है महापुरा में, समझ में आता है, थोड़ा एक ट्रिनशेड अच्छा बना हुआ है तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम लालियावास की बात करें या खटवाड़ा की बात करें तो खटवाड़ा में तो चलो गाड़ी आती ही नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, लेकिन वहां भी बस स्टॉप्स नहीं है, जो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको खुद को किसी को कुछ नहीं करना है, पब्लिक से भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट इतना पैसा देता है कि आपको लेके आना चाहिए और इस चीजों को यहां लगानी चाहिए। इसके साथ साथ आपके और मुख्य बिंदु क्या रहेंगे जिस पर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हो? देखिए रोजमर्रा की चीजों के अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है, देखिए सीधा बात है, जो मुद्दे खत्म करने की चीज होती है वो सबसे पहले होती है। अगर आप युवाओं को रोजगार से जोड़ दें तो मेरा ये मानना है कि कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं। उसके दो मुख्य कारण है, एक तो ये कि वो अपनी चीजों में इतना व्यस्त रहेगा कि वो गलत चीजों की तरफ मुड़ेगा नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज एक परिवार का होता है कि मेरा बच्चा गलत लाइन में लग गया तो वो वहीं रुक गया। दूसरी बात ये है कि वो अगर उसके पास इनकम होगी तो वो खर्च भी करेगा, और जब वो इनकम होगी खर्च करेगा तो आपकी गांव की इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। तो जो फर्स्ट जो बैकबोन है डेट इज द एम्प्लॉयमेंट। इफ यू हैव एम्प्लॉयमेंट यू हैव सॉल्यूशन ऑफ द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप समस्याओं का हल एक चीज से कर सकते हैं कि रोजगार। अब रोजगार की बात आती है तो रोजगार मिले कैसे ये भी एक बड़ा सवाल है, आपका पूछना था और मेरा आपके बिना पूछे आपकी मैंने बताना ज्यादा उचित समझा। तो मेरा मानना है कि रोजगार मिले कैसे। रोजगार मिलेगा, देखिए सीधा सा बात है, काबिल को मुझे ड्राइवर बनना है तो गाड़ी चलानी आनी चाहिए जी। मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो पहली जो चीज है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सोची कि भाई स्किल डेवलप करी जाए, तो ठीक है यहाँ पे मोदी जी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। इस प्रकार का किसी अभी तक तो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर आपके यहाँ महापुरा ग्राम पंचायत में नहीं है, तो क्या आपका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर कोई सेंटर लाने का? बिल्कुल है, मेरा जो एयू बैंक है उनसे बहुत अच्छा तालमेल रहा है 4-5 साल से, और अभी भी मेरा जो उनका चीफ CFO है उनसे मेरा बात हुआ है, उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव दिया है कि भाई जो हमारे एयू स्किल अकेडमी, आप नेट पे सर्च करिएगा एयू स्किल अकेडमी, जिनके गोपालपुरा और कई जगह सेंटर है, वो जोमनेर में भी उन्होंने डाला है अभी, तो वो चाहते हैं कि अगर उन्हें यहाँ जगह दी जाए तो वो यहाँ अपना स्किल सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया जाए। और मेरी बहुत दिली इच्छा है कि अगर स्पेस जगह की बात है तो अगर हमें नहीं मिलती है गाँव में कहीं, तो यहीं कहीं हम स्कूल में उस चीज़ को बाहर की तरफ लोगों के भलाई के लिए अपन इसको काम में लें। महापुरा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण परिक्षेत्र के अधीन आता है, युवा वर्ग के लोग युवा तो रोजगार को प्राप्त कर लेंगे आपके बताए हुए उद्देश्य के अनुसार, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र अपने महापुरा पंचायत वहां पर महिलाओं के लिए आपकी विशेष क्या योजनाएं रहेगी? आपने बहुत अच्छा मुद्दा दिया है ये और बात की है आपने। देखिए मैं भी एक परिवार रखता हूँ, मेरे को भी पता है कि परिवार में क्या क्या समस्याएं होती है। जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, और एक चीज और देखी गई है कि पुरुष अपना आजीविका करने के लिए रोजमर्रा अपने जा भी रहा है, कुछ को रोजगार मिल भी रहा है, कुछ को रोजगार नहीं मिलता है, या इतनी तनख्वाह का नहीं मिल पाता है कि वो घर अच्छे चलाए। तो ये आज की जरूरत है, ये मेरा मानना है पर्सनल कि आज की जरूरत है कि महिला को भी काम करना चाहिए, जितना समय मिले उसे भी काम करना चाहिए। अब महिला की जब बात आती है तो इस क्षेत्र में थोड़ी सी ये कमी है कि शिक्षा को, छात्राओं को लेकर थोड़ी सी शिक्षा को भेदभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, लेकिन है जो है। तो मेरा मानना है कि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके जो स्वयं सहायता समूह जिसको हम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, ऐसा कुछ शुरू किया जाए जिनको बहुत कंपनियां प्रमोट करती है, इवन कंपनी अपने CSR बजट से भी हेल्प करती है, तो उसमें ये फायदा रहे उनको कि उनको नई नई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए। कई जगह आप जाइए, गूगल सर्च करिए, लोगों ने पापड़ से करोड़ों कमाए हैं लेडीजों ने, आप जाइए अचार से स्वयं सहायता समूह बनाए, करोड़ों रुपए अचार से कमाए हैं, तो वो चीजें सामने है, कोई शुरू करना करे तो सही। इस गाँव में भी रोटी कपड़ा और मकान व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर मूलभूत आवश्यकताएं होती है पानी, बिजली और सड़क। तो पानी, बिजली और सड़क, यही एक ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य, मुख्य विकास का अहम योगदान, जो चाहे वो किसान मान लो, चाहे युवा मान लो या महिला वर्ग मान लो। तो पानी, बिजली और सड़क, इनको लेकर आपका विकास का क्या आयाम रहेगा? देखिए बिजली की जितनी बात की जाए तो बिजली यहाँ कोई पंचायत को संबंधित कोई बहुत बड़ा नहीं है, योगदान नहीं रह पाता है, क्योंकि जो बिजली का विभाग है वो अलग है, पंचायत का नहीं है, लेकिन कारण ये होता है ना कि जैसे रात्रिकालीन समय में लाइट, बिजली दी जाती है, तो एक पंचायत के एक प्रतिनिधि होने के नाते इतना सा फर्ज बनता है कि जो बिजली विभाग के अधिकारी है उनको कहा जाए। हाँ, और पानी और सड़क,
इन पर क्या आपका विकास का क्या योगदान? बिजली का आप सही कह रहे हैं, जो समय का परिवर्तन है वहां तक एक पंचायत का रोल हो सकता है, लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो था कि बिजली के कितने घंटे देने हैं ये सब राज्य सरकारों के नियम के अनुसार होते हैं। यहाँ पंचायत का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ये, आप ये सही कह रहे हैं कि हमने डिमांड की भाई सर्दियों के दिन है आप रात में मत दीजिए, दिन में दीजिए, ठीक है वो बात समझ में आती है। दूसरी बात आपने कही पानी, देखिये ये तो इस आज इस धरती पे देखा जाए या खासकर हमारे एरिया में देखा जाए, राजस्थान या जयपुर या पर्टिकुलर हमारी छोटी काशी में देखा जाए, तो पानी के जो स्वच्छ जल है उसकी तो एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है और काफी जगह से इवन अभी आप देखेंगे और जो मुझे पता है कि देख तो यही हम गांव वाले रहे हैं इस वीडियो को, तो सबको मालूम है कि ये तो एक बहुत ही घोर समस्या है। अब इसका जो समस्या का हल है वो कुछ हद तक दूसरे गांवों से भी हैंडपंप करके यहां तक पानी जो अपना बोरिंग करके पानी लाया गया था वो भी इसका एक छोटा सा हल था। बाकी तो मैंने जब यहाँ आसपास में ऑब्जर्व किया तो मुझे मालूम पड़ा कि बीसलपुर से भी कुछ गाँव में लाइनें आई है। अब उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे उन गाँवों ने उस चीज को प्राप्त की है, तो हम भी लोग शिक्षित हैं, हम भी इसमें आगे बढ़ेंगे। जहां पंचायत समिति की जरूरत पड़ेगी, जहां पे अगर मान लीजिए और किसी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, स्थानीय एमएलए की जरूरत पड़ेगी, हम वहां निवेदन करेंगे कि अगर इन गांवों को जो हमसे बहुत नजदीक है 8-10 किलोमीटर गांवों पे अगर बीसलपुर की लाइन आई है तो हमें भी वो चीज मिले। तो हमारी ये बात होगी पानी पे, और जो हमारी तीसरी बात है वो हमारी है सड़क पे। तो सड़क का देखिए ढाणियों में जो सड़क रास्ते हैं, अब देखिए सब अपने अपना मकान में रह रहे हैं, उन्हें जो रोड़े पक्की नहीं हुई है अभी भी कच्ची रोड़े हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि आज सरकार का तो वैसे भी इतना ज्यादा योगदान रहता है सड़कों पे, तो क्यों नहीं भाई आप सड़कें लाते हो, क्यों नहीं सड़कें बनाते हो, और एक बार सड़क बनती है उसके बाद आपको कहीं 15 साल बाद उसकी सोचने की जरूरत नहीं है, तो सड़कों पर भी पूरा योगदान होना चाहिए। जो पानी की आपने बात की थी उसमें मैं एक बार और चाहूंगा, जो कहते हैं सभी लोग कहते हैं और अच्छी बात है कि देखिए बात यह होती है कि आप पानी तो ले रहे हो लेकिन साथ के साथ लोगों को इस चीज में भी आप समझाओ कि जितना कम यूज कर सकें एडिक्वेट आप अमाउंट में उसको यूज करो, और साथ के साथ जो आप उसको रिसाइकल या रीयूज कर सकते हो वो भी नई नई योजनाएं आए। हम चीजें हमारे गांव की सरकार होगी, हम ये कोशिश करेंगे जितना वाटर हार्वेस्टिंग से पानी बच सके वो भी हमें उसको संरक्षित करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, और उस पानी को जितना हम रिसाइकल कर सकें वो भी हम लोगों को जागरूक करें। सर बालिका शिक्षा को लेकर आपका क्या उद्देश्य रहेगा ग्राम पंचायत? जी जी बालिका के लिए देखिए अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा वर्तमान में है, जो ये मैं संस्था हम लोग चला रहे हैं, संस्था निदेशक हूँ मैं, तो हमने अभी गत वर्ष से हमने जितनी भी छात्राएं थी हमारे 270 के समथिंग जो हमारे पास जो गर्ल्स थी, वी हैव जस्ट गिवन 50% रिबेट, हमने 50% उनका फीस एक मुश्त हमने बिल्कुल हटा दिया, और जो जिस बच्ची का अगर सपोज करिए जितना भी पैसा लग रहा था उसका आधा अमाउंट हम उससे ले रहे हैं और आगे भी यही लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी समस्या उभर कर आती है, किसान जब खेत में जाता है फसल बड़ी बड़ी हो जाती है, आवारा पशुओं के द्वारा वो फसलें नष्ट कर दी जाती है, किसान वहीं पर व्यथित होकर बैठ जाता है, तो आवारा पशुओं के लिए ग्राम पंचायत की ओर से अगर आप सरपंच बनते हो तो ग्राम पंचायत की ओर से आपका क्या योगदान रहे? देखिए आवारा पशुओं में मुख्यतः तो हम देखते हैं कि भाई गायों का ज़्यादा रहता है जिसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ शहर तो है नहीं, अलग तरह के जानवर यहाँ नहीं मिलते हैं, जनरली तो हम देखते हैं गायों को लेके यहाँ पे ज़्यादा है। तो गायों के लिए तो देखिए कुछ गाँवों ने बहुत अच्छा किया है आसपास, देखिए जिन्होंने अच्छा किया उनका बताना भी चाहिए। हम भमोरिया में देखते हैं, हम आगे बगरुदम्बी में देखते हैं गौशालाओं का निर्माण हुआ है और वो बहुत, और हम निमेड़ा भी जाते हैं उधर, हमारे एमएलए साहब उधर उन्होंने भी वो शुद्ध बात शुरू की थी कैलाश जी ने, और बहुत अच्छा उधर उनका योगदान रहता है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखिए चीज़ें होती है काम, मैं सिंपल सी बात लूँगा, थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा मैं आपका, देखिए होता क्या है कि विचार सबको होता है, पहली चीज़ होती है कि भाई पहले विचार आना, विचार सबको मिलता है कि हम भी कर दें हम भी कर दें। दूसरा होता है उसका प्रयास, तो प्रयास करने वाले 2% लोग होते हैं, चलिए 2% ने प्रयास भी कर लिया, लेकिन उस चीज को आप कैसे कंटिन्यू रखते हैं वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो चीज मैंने सीखी निमेड़ा से। जब उनका हर साप्ताहिक आपके भागवत गीता का कार्यक्रम हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग जिन लोगों को बाहर आ रहे हैं, वो शहर से बाहर आ रहे हैं, वो उनका जो भी अपना इच्छा अनुसार योगदान कर रहे हैं उन चीजों से वो मेंटेन हो रहा है, और जो कमी रहती है वो हमारे जो भी पंचायत से हो सकती है, निगम से हो सकती है, तो चीजें हमारे पास और भी बहुत ऑप्शन है अगर करना चाहे तो गाय को देखिए हम ये मानते हैं हमारी माता बोलते हैं, तो बोलने तक ही उसको सीमित ना रखें, यहां नहीं कि मेरे खेत में आया मैंने डंडा मारा वहां निकल गई, तो वो चीजें नहीं हो, उनको प्रॉपर एक अच्छा जगह मिले, जैसे देवी देवताओं के लिए मंदिर है वैसे गायों के लिए भी हमारा माता है, हमारी माता के बराबर हम उसको मानते हैं, पूजते हैं उसको,
तो मेरा मानना है कि उसको भी पूरा सम्मान मिले और गौशाला का निर्माण हमारी पंचायत में जितना जल्दी हो, चुनाव हो कब हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये खुला आपसे कह रहा हूँ कि गौशाला का विचार किसी भी सज्जन को इस पंचायत में आता है तो वो जरूर मुझसे संपर्क करें, जो भी मुझसे हो पाएगा सब मैं बिना किसी इस पंचायत के लोभ लालच के बिना भी मैं आपका पूरा योगदान करूंगा। युवा लोगों को, युवा साथियों को आप इस चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, युवाओं के लिए मैं चाहूँगा कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई सारी समस्याओं की जो जड़ है वो आपकी रोजगार है। अब रोजगार भी देखिए कई तरीके से आजकल चेंज, समय बदला है, तो मेरा मानना है कि भाई जो देखिए आजकल कई चीज़ें आप देखते होंगे, जॉब सीकर जॉब मेकर्स एक बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। जो जॉब मेकर्स होते हैं जॉब बनाते हैं, डू द बिजनेस एंड ऑल, तो आप अगर बिजनेस लाइन में जाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप रोजगार संरचित करिए, आप नए नए रोजगार बनाइए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करिए। फिर दूसरी बात है, हम जॉब करें, जॉब भी आप करिए, लेकिन साथ के साथ आप अपने स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए और चीज़ों को अपने अंदर नए नए डेवलपमेंट्स करिए, नई नई चीज़ों को सीखिए। मेरा ज़्यादा नहीं बड़ी बात करूँगा, लेकिन मेरा एक चीज़ छोटी चीज़ मानना है कि आप जब अपने आप को देखें तो ये ऑब्जर्व करिए कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ, और मैं कल फिर से ये सोचूंगा मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। किसमें? अपने इंटेलिजेंस लेवल में, आप अपनी समझदारी में कि कल मैं यहाँ इन चीज़ों को समझता था, आज इन चीज़ों पे यहाँ समझता हूँ। आजकल के युवाओं को मैं देखता हूँ तो देखता हूँ, एक बार महसूस करता हूँ कि कुछ भटक तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर हम गांव पंचायत की बात करते हैं तो इसमें हर विशेष वर्ग कोई नहीं है कि इसी एक ही वर्ग की हम बात करें कि इसमें पर्टिकुलर, यहाँ तो सभी की सोचनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है युवा कुछ भटकता है, भटकता भी इसलिए कि भाई वो कहीं पे अपना रोजगार नहीं कर रहा है, या फिर मानिए अपना उसको टाइम खामखा का मिल रहा है, सोशल मीडिया पर टाइम खराब करता है। मेरा तो मानना है जो सोशल मीडिया जो चीज़ है, आज देखता हूँ सबका गर्दन नीचे रहता है, सबका मोबाइल में नज़र रहता है, ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है। आप अगर कोई चीज़ को काम के लिए यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ ओके। हर चीज़ के दो इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है और आपके साइड इफेक्ट्स, इनको नेगेटिव इफेक्ट्स भी बोलते हैं। तो साइड इफेक्ट जैसे काम मत करिए, ऐसे काम करिए जो आपको रिटर्न दे, आपको अच्छे रिटर्न्स दे, आपको चीज़ें सीखने। अगर जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं कभी लोगों का टाइम खराब करूंगा, उसमें आपकी ज्ञान की चीज़ें भी। युवाओं के लिए सिंपल सा मैसेज है, इस इंटरनेट को काम के लिए यूज़ मत करो, गाने छोड़ो, वीडियो छोड़ो, फेसबुक में भी इतना लिमिटेड मत करो, आपकी कोई काम की बात हो उस तक सीमित रहो। व्हाट्सअप में चीज़ें आ रही है, गलत गलत चीज़ें आ रही है, बड़ी गलत लगता है युवाओं में। तो सर देखिए, मैं यहाँ इतने प्रत्याशियों में एक चीज़ में तो अलग हूँ कि मैं युवाओं में तो रहता हूँ सारे दिन, तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। संपूर्ण भारत देश में आज के समय में वैसे युवा वर्ग ज़्यादा है और एक युवाओं के आप धीरे धीरे स्थान बन रहे हो महापुरा ग्राम पंचायत में। अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह रहेगा कि जब आप सरपंच 2020 की दावेदारी कर रहे हो, आप सरपंच चुनकर ग्राम पंचायत में आते हो, आपका ग्राम पंचायत के प्रति पहला काम क्या होगा? एक मुद्दे की बात करें तो एक मुद्दा हमारा ये भी रहेगा और हम पूरी कोशिश करके उसको पूरा भी करेंगे कि जो भी जितनी भी रोड है हमारे पास, जो भी डामर रोडें हैं, हम उन रोडों पे ये करें कि रोड लाइटों की व्यवस्था करवाएं। और रोड लाइटों की व्यवस्था भी पहली कोशिश करें भाई, पंचायत के पास अगर इतना बजट हो अच्छा खासा तो LED लाइट्स पंचायत अपनी तरफ से करवाएं। अदरवाइज आजकल एक योजना चल रही है जो सेज में काफ़ी कंपनियां यहां आई है, वो कंपनियां भी ऐसी सहायता आपको मुहैया करवाती है जिसमें आप उनसे रोड लाइट्स की सुविधा ले सकते हैं। और ये भी बता देता हूं मैं आपको कि कुछ हो सकता है इस वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुंचे, कि आप चाहें तो सेज में ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जो घरों के लिए भी ट्यूबलाइट और LED लाइट देती हैं, तो आप चाहें तो वो भी आप वहाँ से। की बात करें तो यहाँ महापुरा पंचायत से एक रोड प्रस्तावित है जिसे हम सेज संपर्क रोड नंबर 2 से जानते हैं, और उस रोड पे ये रहा उसका जो इतिहास है, वो बहुत पुराना रोड है, प्रस्तावित तो बहुत सालों से हैं लेकिन वो बन नहीं पाया, और नहीं बन पाया उसकी भी वाकई में वजह थी। किसानों को संतुष्ट नहीं किया गया, किसानों से ज़्यादा ज़मीनें उठाई गई, इस बारे में JDA की यहाँ एक बहुत बड़ी रुटी रही, गलती रही कि किसानों को संतुष्ट किया ही नहीं गया। तो किसान कहीं से भी गलत नहीं है इस मामले में, किसान 100% सही है। अगर आप जितनी ज़मीन ली जा रही है उसका आपको मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिलता है तो किसान उसका हकदार है। तो मेरा मानना है कि किसानों को इस चीज़ के, परंतु उसका दूसरा पक्ष ये है रोड का कि अगर रोड निकलती है तो हम ये मानते हैं कि पूरे गांव को इसका लाभ है, पंचायत को इसका लाभ है। जो रोड यहां से निकलती है आपके महापुरा से होते हुए आपकी सीधी लाल्यावास और खटवाड़ा से पूरा निकल के निकलती है, तीनों गाँवों को एकमात्र ऐसी रोड है जो तीनों गाँवों को लाभ पहुँचा सकती है, क्योंकि रोड से तो विकास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कोई भी अगर रोड निकलेगा अच्छा खासा 200 फीट चौड़ा रोड निकलेगा तो नए रोजगार सृजन होंगे, लोगों को नए रोजगार समझ में आएंगे, कुछ भी अगर वो चाहे तो जैसा रोजगार वहाँ शुरू कर सकता है। आजकल हमारा हमने यहाँ नया एक देखा है कि भाई लोग किराए पे बहुत ज़मीनें दे रहे हैं, लेकिन वो किराए पे ज़मीन तब जाए जब वहाँ रोड प्रॉपर हो। तो मेरा मानना है कि भाई यहाँ पे जो ये रोड है पहले किसानों से बात की जाए, एक एक की रिपोर्ट बनाई जाए, फिर डीसी को कोशिश करें यहाँ मौके पे बुलाने की, और डीसी जेडीसी जैसी व्यवस्था बैठे यहाँ वो आए, अपने इंजीनियर्स वगैरह यहाँ लेके आए और मौके पे उसकी वापस से डिमार्केशन की ज़रूरत हो तो वैसा किया जाए, जो भी इसकी ज़रूरत हो उसको पूरी करें और फिर इसको रोड को भी बनाया जाए। और किसानों से भी हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस रोड को जितना अतिशीघ्र हो उतना आप इसको शुरू करवाएँ सर। तो एक मुद्दा है यहाँ पे, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ महापुरा पंचायत से एक रोड प्रस्तावित है जिसे हम शेष संपर्क रोड नंबर 2 से जानते हैं, और उस रोड पे ये रहा उसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना रोड है, प्रस्तावित तो बहुत सालों से हैं लेकिन वो बन नहीं पाया, और बनने नहीं बन पाया उसकी भी वाकई में वजह थी, किसानों को संतुष्ट नहीं किया गया, किसानों से ज़्यादा ज़मीनें उठाई गई। इस बारे में जेडीए की यहाँ एक बहुत बड़ी रुटी रही, गलती रही कि किसानों को संतुष्ट किया ही नहीं गया। तो किसान कहीं से भी गलत नहीं है इस मामले में, किसान 100% सही है। अगर आपसे जितनी ज़मीन ली जा रही है उसका आपको मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिलता है तो किसान उसका हकदार है। तो मेरा मानना है कि किसानों को इस चीज़ के, परंतु उसका दूसरा पक्ष ये है रोड का कि अगर रोड निकलती है तो हम ये मानते हैं कि पूरे गांव को इसका लाभ है, पंचायत को इसका लाभ है। जो रोड यहां से निकलती है आपके महापुरा से होते हुए आपकी सीधी लालियावास और खटवाड़ा से पूरा निकल के निकलती है, तीनों गाँवों को एकमात्र ऐसी रोड है जो तीनों गाँवों को लाभ पहुँचा सकती है, क्योंकि रोड से तो विकास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी अगर रोड निकलेगा अच्छा खासा 200 फीट चौड़ा रोड निकलेगा तो नए रोजगार सृजन होंगे, लोगों को नए रोजगार समझ में आएंगे, कुछ भी अगर वो चाहे तो जैसा रोजगार वहाँ शुरू कर सकता है। आजकल हमारा हमने यहाँ नया एक देखा है कि भाई लोग किराए पे बहुत ज़मीनें दे रहे हैं, लेकिन वो किराए पे ज़मीन तब जाए जब वहाँ रोड प्रॉपर हो। तो मेरा मानना है कि भाई यहाँ पे जो ये रोड है पहले किसानों से बात की जाए, एक एक की रिपोर्ट बनाई जाए, फिर डीसी को कोशिश करें यहाँ मौके पे बुलाने की, और डीसी जेडीसी जैसी व्यवस्था बैठे यहाँ वो आए, अपने इंजीनियर्स वगैरह यहाँ लेके आए और मौके पे उसकी वापस से डिमार्केशन की ज़रूरत हो तो वैसा किया जाए, जो भी इसकी ज़रूरत हो उसको पूरी करें और फिर इसको रोड को भी बनाया जाए। और किसानों से भी हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस रोड को जितना अतिशीघ्र हो उतना आप इसको शुरू करवाएँ सर। पंचायती राज चुनाव में सरपंच के प्रत्याशी के रूप में आप विजय प्राप्त करके महापुरा ग्राम पंचायत में जैसे कदम रखोगे, कदम रखने के बाद में आपके मुख्य अहम उद्देश्य और मुख्य जो योगदान आपका जो होगा इस ग्राम पंचायत में वो क्या क्या होगा? देखिए, आपने कहा कि जैसे सरपंच आप बन के आते हैं तो ठाकुर जी की कृपा रही तो वो दिन भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। और कुछ मुद्दे और कुछ चीज़ें ऐसी सोची है जिन पे काम करूँगा मैं, जिनमें प्राथमिकता काफ़ी कामों की है, उनमें से कुछ मैं बताता हूँ आपसे साझा करना चाहूँगा। जिनमें पहला जो है, हमारे पास सामुदायिक केंद्र यहाँ नहीं है जी, बड़े मैं जब जाता हूँ शहर में देखते हैं कोई भी निगम क्षेत्र हो वहाँ ये चीज़ें मिल जाती है, और आसपास की नरसिंहपुरा पंचायत में भी वहाँ पे सामुदायिक केंद्र आया है, बिल्कुल आया है, आया है और बहुत अच्छा काम हुआ है ये देखा जाए। देखिए, ये कोई, मैंने आपको शुरुआत में भी कही थी, कुछ काम रोजमर्रा के लिए होते हैं, कुछ हमेशा के लिए होते हैं। तो सामुदायिक केंद्र एक ऐसा मुद्दा है और एक ऐसी ज़रूरत है जो आपकी पुश्तों तक काम आता है। अगर सपोज करिए कोई निर्धन परिवार है और ज़रूरी नहीं है वो निर्धन ही है, लेकिन खामखा का खर्चा भी निकलना भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए गांव पंचायत के अंदर जहां पे वो जाए और अपने कोई भी ऐसा कोई उसके काम पड़ता है, काम तो किसी को कोई रोज़ तो पार्ट काम पड़ता नहीं है, साल दो साल पाँच साल में कभी काम पड़ा है, शादी समारोह जैसा हो या कोई और कोई ऐसा उत्सव हो उसमें वो जाए और अपना वहाँ व्यवस्था बहुत कम खर्चे में, ना मात्र के बराबर में खर्चे में अपना काम वहाँ से सिद्ध कर ले, तो इससे अच्छा मैं मानता हूँ पहला मुद्दा ये आपका होना चाहिए, मेरा होगा। दूसरा जो चीज़ है, जो कुछ मुद्दा उठा भी था, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू को एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना चाह रहा, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन किया है, तो आई थिंक कि लास्ट ईयर ऐसा मुद्दा हुआ था कि यहाँ एक शौचालय पास होके आया था महापुरा में, और उस पर भी दो पक्ष हो गए थे कि कुछ लोग कहना चाह रहे थे कि ये शौचालय बनना चाहिए, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा कोई लॉजिक है नहीं कि वो क्यों नहीं बनना चाहिए था, अगर कोई परेशानी थी तो उसे बैठ के सुलझाना चाहिए था। जनप्रतिनिधि अगर आपको बनाया गया है तो आपको इसी वजह से एक बनाया गया है कि आप उन चीज़ों को सुलझाएं, ना कि उलझाएं। ठीक है, मैं मानता हूं कि विचार नहीं मिलते हैं, प्रथम दृष्टता देखें तो हो सकता है किसी को ये लगा हो कि इसमें मेरा नुकसान है, लेकिन उसका संशोधन करें,
गांव में किसी का भी बुरा नहीं करें, किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं होना चाहिए, संशोधन करें, उसको समझाएं कि हाँ ये हमारे सभी के फायदे के लिए है। क्योंकि देखिए जनरली सिंपल सी बात है, महापुरा अगर बात करें पंचायत की तो 6,500 वोटर या मान लीजिए 8,000 जनसंख्या यहाँ है, और उसमें भी आप ये मान के चलिए कि हम लोग तो सिर्फ 5,000 है, 3,000 लोग वो आ रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन शहर से यहाँ आए हैं उठ के। वो जब देखते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, कुछ के बच्चे भी पढ़ते हैं, बोले यार क्या गाँव है बॉस, हमारे तो वहाँ पे हमारे तो यहाँ आपके यहाँ तो कोई टॉयलेट का भी फैसिलिटी नहीं है। तो वो उनको बड़ा स्ट्रेंज फील होता है कि यार इतना बड़ा गांव है, टॉयलेट्स का फैसिलिटी नहीं है। तो शौचालय तो देखिए तीनों गांव में व्यवस्थित होना चाहिए। हमें हो सकता है, हम लोकल हैं, हमें पता है कि ये व्यवस्था यहाँ नहीं, किसी घर में जाके कर लो। लेकिन अगर मान लीजिए आप सपोज करिए हमारी BSTC की काउंसलिंग चल रही है, जहाँ बच्चियाँ दूर दूर से आती है, नाम हमारा छोटा काशी है, हम सब अपनी पहचान संस्कृत के पीछे बताते हैं, महापुरा के पीछे बताते हैं, लेकिन उसी संस्कृत शिक्षा की जब काउंसलिंग चलती है, जब वो सुविधा उस बच्ची को सुबह से लेके अगर वो 6 घंटे तक वहाँ बैठी है तो वो कहाँ जाएगी बताएंगे जरा? और अंदर थोड़े कि आप ये चाहो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जाए, अंदर नहीं जाए, अरे बच्चे बाहर ही बैठे, बच्ची अंदर चले जाती है, उसके साथ में उसके अभिभावक आए हैं, उसकी माता बहनें साथ में आए हैं, पिता साथ में आए हैं, तो उन्हें भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो वहाँ अपना जो भी उनको जो भी नित्यक्रम है वो वहाँ जाके उस चीज़ को कर सकें। तो शौचालय एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा मेरे लिए, जिसके लिए तो मैं ये मान के चलिए जी मर के कैसे भी करूँगा। और भी बात करें तो जैसे एक हमारे पास बड़ी सुविधा है, बात करें जैसे हमारे गांव में देखा जाए तो एक खेल का मैदान है और मेरे पैदा होने से पहले से है जी। तो मैं बड़े अचंभा फील करता हूं कि भाई आपके पास सब तरह के बजट हैं, सब तरह की आपके पास सुविधा है, करोड़ों रुपए की वर्थ की वो वैल्यू की आपके पास लैंड है, लेकिन आप महीने का 10,000-15,000 खर्च करके अगर उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो तो मेरा तो मानना है ये जनप्रतिनिधि की कमी है, या अगर कोई प्रशासन की कमी रह रही है तो उससे भी आप तालमेल बैठाएं, उनसे भी अनुमति लें कि सर ये इस कैसे बेटर वे में ये चीज़ें हो सकती है। देखिए परेशानियाँ सब जगह है लेकिन समाधान भी वहीं पर होता है, उसको पहचानने वाला चाहिए। ग्रामीण किसानों के लिए आपके का क्या उद्देश्य है, ग्रामीण किसानों के प्रति आप क्या? देखिए किसान अगर बात करें तो किसानी पे जो यहाँ पे है, किसानों के लिए भी सोचने वाली बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं खुद एक किसान परिवार से रहा हूँ और कुछ किसानी मैंने की भी है। अब तो ऐसी फुर्सत नहीं मिल पाती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े रहते हैं सारे दिन फिजिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में, एक प्रकार की किसानी तो, है देखा जाए तो कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। बाकी किसानी तो देखो अंदर है, बहुत मैंने नज़दीक से देखा है चीज़ें। तो देखिए किसानों को यहाँ प्राथमिकता नहीं मिली, काफ़ी ऐसे गाँव हैं, काफ़ी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे किसानों को बहुत प्राथमिकता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े कुछ नहीं करना है आपको, आपको आप देखिए जब यहाँ नेशनलाइज बैंक तक, हमारे महापुर में नेशनलाइज बैंक है, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं इतने करोड़ किसानों के आए, इतने करोड़ किसानों के आए, अरे कहाँ है वो बैंक, तो एक रुपया नहीं देता है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है? हमारे पास तो इतने अच्छे अच्छे बैंक हैं, यहाँ और भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो ग्रामीणों पे ही पूरा रूरल बेस्ड बैंक है हमारे पास, वो है, लेकिन सुविधा तो जनप्रतिनिधि का है ना, बैंक में पैसा आ भी गया, जो थोड़ा समझदार था वो तो ले गया, और जो गरीब था बेचारा उसको बैंक में आने से डर लगता है वो अपने घर बैठा रह गया। तो भाई जनप्रतिनिधि क्या सिर्फ उन्हीं का है जो खुद सक्षम है? खुद सक्षम तो आप खुद ले आएगा, फिर जनप्रतिनिधि किसको घर से उठा के लाएगा? तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, चाहे नाबार्ड हो, चाहे आपकी कोई भी ऐसी संस्था हो, जो अगर किसानों को किसी भी तरीके से अगर सहायता पहुंचा सके तो आपका काम है उस संस्थानों से, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे नाबार्ड हो, या कोई हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वाली संस्था हो, आप उनको जोड़ें किसानों के साथ और किसानों को जागरूक करें कि देखिए ये करोड़ों रुपए की आपके पास ये सुविधा आई है, इसको आप फायदा उठाओ। इसके साथ में ग्राम पंचायत महापुरा के जो नव ऊर्जावान साथी अपने साथ में आज DPK न्यूज़ से जुड़े हैं, ये एक प्रकार से 2020 जो पंचायती राज चुनाव की जो अलख बच चुकी है, इस अलख में अपनी चहलकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन मुकेश चौधरी के साथ रिपोर्टर ओम प्रकाश चौधरी, DPK न्यूज़, जयपुर।